तो पिछले वाले पार्ट में ऑल आउट हो चुकी थी न्यूजीलैंड की टीम और 622 रन उन्होंने बनाए थे, और हमने ये कहा था कि अगर 628 रन बना दिए उन्होंने तो पूरी तरीके से 600 रन की लीड हो जाएगी, पर 594 रन की लीड उन्होंने ली। और उसी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं अब हमारी चेज़ की, और 595 रन अगर हमने बना दिए तो फिर हम जीत जाएंगे, पर ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, पर ठीक है, कोशिश यहाँ पर हम पूरी करेंगे। और स्ट्राइकर एंड पर हमने रखा है रोहित शर्मा को, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रखा है शुभमन गिल को। और एक बात और जो कि हम कहा करते हैं अपनी वीडियोस में कि काम मुश्किल है तो फिर मज़ा भी आएगा, तो बस शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितना मज़ा आएगा। फिलहाल यहाँ पर शुभमन गिल है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और स्ट्राइकर एंड पर हमने रखा है रोहित शर्मा को, और इन दोनों के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। और पहली ये बॉल फुल लेंथ की बॉल है, और देखना ये होगा यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं मालूम चलेगा कि बाहर की तरफ है, मतलब आउट स्विंग है या इन स्विंग है, पर जो भी कुछ हो पहली ही बॉल पर ऑन साइड की तरफ जो पतला सा गैप रहता है वहाँ पर हमने निकाला है शॉट, और एक चौका निकाला है, और इस चौके से शुरुआत की है हमने। पर काफ़ी बड़ा ये टारगेट है, मतलब 591 रन्स बनाना, और हम ये बता दें कि आज तक के हमने कभी 591 रन्स बनाए नहीं है, मतलब वो चाहे तो फिर T20, मतलब चाहे वो WCC2 का मैच हो या फिर WCC3 का मैच हो, WCC3 में तो जाहिर सी बात है नहीं, और WCC2 में भी हमने कभी 591 रन्स नहीं बनाए, तो ये काम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोशिश हम पूरी करेंगे। इस बार पीछे की तरफ शॉट खेलेंगे और टाइमिंग परफेक्ट है, और मिलेगा एक और चौका, और लगातार 3 चौके लगा चुके हैं रोहित शर्मा अभी तक के, और हमें उम्मीदें उनसे काफ़ी ज़्यादा है कि वो थोड़ी मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेंगे शुभमन गिल के साथ, और कम से कम एक 50 रन की पार्टनरशिप का हम पहले टारगेट रख रहे हैं, फिर वो जब हो जाएगी तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से फिर वो 150 रन की पार्टनरशिप का टारगेट रखना वो सही रहेगा भी नहीं, और 150 रन की अगर पहले विकेट की पार्टनरशिप हो जाए ना तो फिर वो काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी और कमाल की वीडियोस अभी आने वाली हैं। और वैसे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसी के जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अब ये सीरीज़ अपने अंत पर पहुँच रही है और अपनी मंजिल पर पहुँच रही है हम कह सकते हैं। और 4 लगातार चौके लग चुके हैं, 1 डॉट बॉल रही, इस बॉल पर भी चौका लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी टाइमिंग अच्छी है पर प्लेसमेंट भी अच्छी थी, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी वहाँ पर फील्डिंग थी, कमाल की फील्डिंग थी। और 6 बॉल पर 16 रन बना दिए हैं रोहित शर्मा ने उस पहले ही ओवर में। और वैसे हमारी बैटिंग कुछ ऐसी है, मतलब ये टेस्ट मैच हो चाहे T20 मैच हो या फिर वनडे मैच हो, हम थोड़ा सा ऐसे ही खेलते हैं, मतलब चौका लगा के और बीच में सिंगल डबल लेके, तो इसी वजह से थोड़ा सा स्ट्राइक रेट मेंटेन रहता है, पर जिस चीज़ की दिक्कत रहती है वो है विकेट की, तो बस ये हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम कोई विकेट ना खोएं, और अभी इस पहली वीडियो में तो बिल्कुल ना खोएं। और यहाँ पर 9 बॉल हो चुकी है, हाँ यहाँ पर टेस्ट मैच में तो कोई फ्री हिट मिलेगा नहीं, टेस्ट मैच में अगर फ्री हिट मिलता तो हम बिल्कुल लॉफ्टेड शॉट खेलते, वो भी पीछे की तरफ खेलते, क्योंकि अभी हमारे पास लॉफ्ट मीटर उतना अच्छा है नहीं तो कोई चांस नहीं है। पर यहाँ पर फिलहाल सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि चांस चौके का है, और चौके के चांस से यहाँ पर मिला भी है एक चौका, और कमाल का ये चौका रहा, मतलब शुभमन गिल ने 2 डॉट बॉल खेली पर तीसरी बॉल पर लगाया है ये कमाल का चौका, और यहाँ पर गैप काफ़ी ज़्यादा है तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि एक चौका लगाया जाए, और लगा भी है, और इसी एक और चौके के साथ इस ओवर में अभी तक के तो 9 रन आ चुके हैं, और अभी भी इस ओवर में 2 बॉल बची हुई है, 2 बॉल नहीं 3 बॉल बची हुई है, वो एक जो पहली बॉल थी वो 9 बॉल थी, तो अभी भी इस ओवर में 3 बॉल बची हुई है। पीछे की तरफ ये शॉट है, परफेक्ट ये टाइमिंग है, चौका नहीं मिलेगा पर एक डबल आसानी के साथ हम ले सकते हैं, और 10 रन पर पहुंच चुके हैं शुभमन गिल, 27 रन की अभी तक के पार्टनरशिप हुई है। पर जब 591 रन आपको चेज़ करने हो तो फिर 27 रन की पार्टनरशिप कुछ नहीं है, मतलब वो एक अगर एवरेज हम देखें ना तो 10 विकेट हैं और 595 रन बनाए हैं टीम ने, मतलब 595 रन बनाने हैं टीम को हमारी,
और 10 विकेट हैं, तो एक एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो हर विकेट पे 59.5 या 60 रन्स की पार्टनरशिप होनी चाहिए। पर अब इतना कैलकुलेटेड पार्टनरशिप तो जाहिर सी बात है होती नहीं है, पर वो एक एवरेज पार्टनरशिप है। और यहाँ पर फिलहाल 34 रन्स और 36 रन्स की पार्टनरशिप हो चुकी है और दोनों ही बैट्समैन काफ़ी तेज़ी के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर परफेक्ट ये टाइमिंग है और बहुत ही ख़राब ये निर्णय था हमारा, मतलब ये शॉट हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए था, पर ठीक है। और अब हम ट्राई करेंगे कि ये शॉट हम ना खेलें, और अभी तो बिल्कुल ना खेलें। हाँ, आगे चल के कभी ऐसा होगा कि कोई बैट्समैन बहुत ज़्यादा रन्स बना लेगा और हमें लगेगा कि अब ये बैट्समैन काफ़ी हद तक खेल गया है और यहाँ से हमें ये जीत के पार ले जा चुका है, मतलब जीत के करीब भी नहीं। अब जब हमें लगेगा कि अब यहाँ से जीत आसानी के साथ मिल जाएगी, तब हम इधर उधर शॉट खेलने को ट्राई कर सकते हैं। पर अभी कोई गलती वो बिल्कुल नहीं हम अफोर्ड कर सकते, और यहाँ पर टाइमिंग गुड है पर कोई भी चौका या कुछ भी रन्स मिले नहीं। और पिछली 12 बॉल की अगर हम बात करें तो 28 रन आ चुके हैं और विकेट कोई भी नहीं आया, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस बार फिर से टाइमिंग अच्छी पर फिर से ये बॉल डॉट रही और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कुछ रन्स मिले यहाँ पर। और चौथी बॉल पर एक डबल मिला इस ओवर की, ये पांचवी बॉल है और टाइमिंग परफेक्ट है, यहाँ पर हो सकता है चौका मिले। पर ओहो, ये तो कमाल की फील्डिंग, मतलब इस फील्डिंग के चलते अगर यहाँ पर आपने चौका रोक दिया तो बिल्कुल भी इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि प्लेसमेंट अच्छा नहीं था, प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। पर अगर इतनी कमाल की फील्डिंग होगी वो सुपरमैन की तरह, तो फिर किया भी गया जा सकता है। और इस बार फिर उससे ये कौन सा फील्डर है जो इतनी कमाल की फील्डिंग कर रहा है, मतलब ठीक है आप अपनी टीम के लिए अच्छा एफर्ट कर रहे हैं पर इतना ज़्यादा एफर्ट। यहाँ पर फिलहाल इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर का ये मैच हो चुका है, मतलब ये इनिंग्स हो चुकी है। और कुछ 42 रन्स, कुछ 42 क्या बल्कि 42 रन्स ही बनाए हैं हमारी टीम ने अभी तक, और 8 रन दूर हैं हम एक 50 रन्स की पार्टनरशिप से और 59.5 का एवरेज जैसा कि हमने कहा था, तो वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। और 18 रन पर खेल रहे हैं शुभमन गिल, 8 बॉल पर 18 रन। और पहली वाली इनिंग्स की हम बात करें तो पहली वाली इनिंग्स में भी इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बनाए थे। हाँ, रोहित शर्मा ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, उन्होंने एक 50 बनाई थी, एक हाफ सेंचुरी बनाई थी, और शुभमन गिल ने कोई बहुत अच्छी इनिंग्स नहीं खेली थी और रनआउट के चलते उनका विकेट चला गया था। तो हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि इस वाली इनिंग्स में वो एक अच्छी बैटिंग करें, एक अच्छी परफॉर्मेंस दें, और न केवल एक अच्छी परफॉर्मेंस दें बल्कि यहाँ से और आगे भी ले करके जाए, मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने कुछ रन्स बनाए पर टीम को जिताने के लिए जो एक बड़े रन्स होते हैं, जो एक लास्ट तक लेकर के जाना अपनी टीम को, वैसी कुछ इनिंग्स खेलें। और 24 रन्स पर पहुंच चुके हैं रोहित शर्मा, 26 रन्स पर पहुंच चुके हैं इसे एक डबल के साथ, और इस ओवर में अभी तक के 5 रन आ चुके हैं। यहाँ पर टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है पर प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अगर टाइमिंग थोड़ी और अच्छी होती तो हो सकता है कि वहाँ पर चौका मिल सकता था। और 28 रन्स पर पहुँच चुके हैं इसे एक डबल के साथ, और इस पूरे ओवर में सिर्फ सिंगल डबल ही आए हैं और चौका लगे हुए थोड़ा सा समय हो चुका है, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि कम से कम लास्ट बॉल पर एक चौका तो लगे। और यहाँ पर एक और शॉट, और इस बार वैसे हम, हाँ जाहिर सी बात है हम पीछे की तरफ शॉट खेलते हैं और उस तरफ कोई फील्डर नहीं है, पर वहाँ पर हम शॉट नहीं खेल सकते क्योंकि अगर उस तरफ हमने शॉट खेला तो चांस ये भी है कि जो जस्ट बगल फील्डर खड़ा है, अब हमें वो पॉइंट नहीं पता पर जस्ट बगल जो फील्डर खड़ा है उस पर वो कैच भी पकड़ सकता है या उसकी तरफ कैच भी जा सकता है, तो ये चीज़ हमें अभी फ़िलहाल बिल्कुल नहीं करनी है। और यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ा सा आपस में बातचीत करते हुए दोनों बैट्समैन, दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि ये दोनों ओपनर्स को यहाँ से काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। और परफेक्ट ये टाइमिंग है पर कोई भी रन्स मिले नहीं, 31 रन्स पर खेल रहे हैं रोहित शर्मा, 18 बॉल्स उन्होंने अभी तक के खेली हैं। और यहाँ से अगर मैच को जिताना है तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों ओपनर्स में से कोई एक ओपनर रहे, मतलब इन दोनों ओपनर्स में से कोई एक बैट्समैन रहे जो कमाल की इनिंग्स खेल रहा है और आने वाले कुछ 10 ओवर तक वो रहे। और वैसे हाँ, अगर ये असली मैच रहता तो 10 ओवर की बैटिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती, पर क्योंकि जैसा कि हम खेल रहे हैं, मतलब 5 ओवर में हमने 56 रन बना दिए और 10 ओवर तक अगर एक भी विकेट ना गिरे
तो हम ये कह सकते हैं कि मैच को हमने अभी तक के जीवित रखा है। और वैसे तो जब चेज की शुरुआत हुई थी तो 594 रन्स बनाना ये काम अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर इस ओवर में हमने अभी तक के 2 चौके लगा दिए हैं और वो दोनों ही चौके बहुत ही कमाल के तरीके से लगाए हैं और इस बार एक और लगाया है हमने। और पिछले वाले ओवर में हमने ये बात की थी कि चौका लगे हुए थोड़ा सा समय हो गया, पर वहाँ पर हमने कोई गलती नहीं की। मतलब ऐसा नहीं कि चौका लगे हुए थोड़ा समय हो गया तो हमने जल्दबाजी में कोई गलत शॉट खेला या लॉफ्ट हेड शॉट खेला, वो चीज़ हमने नहीं किया। वहाँ पर हमने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया और यहाँ पर जब हमें फील्ड वैसी मिली तो 3 चौके लगाए हमने एक ही ओवर में और 12 रन बना दिए।